जीवन दायिनी फसल, सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक। ये भारत की दो तिहाई आबादी सहित विश्व के 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए खाद्यान्न का रूप है। धान की खेती आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका का प्रमुख स्रोत है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े धान उत्पादक के रूप में उभरे भारत देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% योगदान धान के रूप में है। लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी और उपज उत्पादकता दर में गिरावट के अलावा कृषि भूमि, श्रम, जल तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता में निरंतर कमी आने के कारण देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए भविष्य में आहार जुटाना निस्संदेह कठिन कार्य होगा। इसलिए उत्पादित धान के दाने को बचाना आवश्यक हो गया है। इस संदर्भ में विभिन्न कीटों द्वारा होने वाले नुकसान पर नियंत्रण करना सबसे अहम कहा जा सकता है। धान की फसल पर कई प्रकार के कीटों और रोगों का प्रकोप होता है और पौधों को खरपतवारों के साथ भी स्पर्धा करनी पड़ती है। इस वजह से धान की न सिर्फ उपज में कमी आती है बल्कि फसल की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। ये नुकसान औसतन 25-33% तक हो सकता है। हरित क्रांति के समय से ही भारतीय कृषक इस प्रकार के नुकसान को कम करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। देश में खपत होने वाले कुल कीटनाशकों में 17% का इस्तेमाल धान की फसल में ही किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण कीटनाशकों के विषाक्त अवशेषों की मात्रा दानों, पौधों, मृदा, जल और वायु में पाई जाने लगी है, जिससे मानव, पशुधन और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की समस्या खड़ी हो गई है। इस कारण कीटों के विभिन्न प्राकृतिक शत्रुओं की जैव विविधता में भी गिरावट देखी जा सकती है, जिससे द्वितीय प्रकार के कीटों के अलावा कीटनाशकों से उत्प्रेरित प्राथमिक कीटों का भी दोबारा उद्भव देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक एक ही प्रकार के कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों में इनके प्रति रोधिता उत्पन्न हो जाती है, जिससे कीटनाशकों की अधिक मात्रा या नए रसायनों का प्रयोग करके नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में समेकित कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे IPM के नाम से जाना जाता है, कीटों से बचाव के सुरक्षित तरीके के रूप में विश्व में हाल के वर्षों में तेजी से उभरा है। पर्यावरण हितैषी युक्ति IPM विभिन्न प्रकार की चुनिंदा तकनीकों जैसे कीटरोधी किस्मों को अपनाना, उपयुक्त कृषि पद्धतियों, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, पर्यावास परिवर्तन, जैविक नियंत्रण और आवश्यकता आधारित कीटनाशकों के प्रयोग का उचित मिश्रण है। स्थान विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित इस प्रणाली का जब गांव या समुदाय आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तो अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। हैदराबाद स्थित चावल अनुसंधान निदेशालय यानी DRR धान के लिए विभिन्न प्रकार के IPM मॉड्यूल विकसित करने और देश भर में इनके क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वस्थ समर्थ बने किसान।